चीन राष्ट्रपति के पुतले की निकाली शव यात्रा। शव के पुतले को किया गया आग के हवाले। पुतले में लगे डंडों को अस्थियां बताकर गंदे नाले में बहाया। चीनी राष्ट्रपति के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए चीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। वहीं जलने के बाद डंडों को गंदे नाले में बहाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चीन के प्रति आम नागरिकों के साथ हिंदू संगठनों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। रविवार को मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु जोशी के नेतृत्व में महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा चीनी राष्ट्रपति के पुतले की बकायदा शव यात्रा निकाली गई और चीनी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए मुरादाबाद के मानसरोवर कॉलोनी चौराहे पर चीनी राष्ट्रपति के शव के पुतले को आग के हवाले कर दिया। शव यात्रा के आगे आगे हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी के हाथ में हांडी लेकर नारेबाजी कर रहे थे और चार कार्यकर्ता शव के पुतले की अर्थी को कंधा देते हुए चल रहे थे। शव के पुतले को आग के हवाले करने के बाद पुतले में प्रयोग किए गए डंडों को अस्थियां बताते हुए उन्हें वहां से उठाकर नजदीक स्थित कंधे नाले में बहा दिया गया। शव यात्रा में महिला कार्यकर्त्री भी शामिल थी जो साथ साथ चल रही थी। आपने आज हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश रंजीत चौहान जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल हकीकत में धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने कार्यक्रम किया है, चीन के लिए हमने हमारी युवा टीम ने क्लियर कहा है कि अगर केंद्र सरकार हमें आदेश दे तो हमारी युवा शक्ति तत्काल प्रभाव से चीन में जाने को तैयार है। अगर वो हमारा एक मारेंगे तो हमें 1000 मारने के लिए हम तैयार। अच्छा, आज ये आपने क्या किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है चीन का, जैसे कि लोग बाग टीवी जला रहे हैं, आपने किस तरीके से वो इसका विरोध किया है? हमने आज इसकी शव यात्रा निकाली थी, जूतों के हार पहना के, और इसकी जो अस्थियां होंगी, जो इसकी अस्थियां होंगी उसको उठाकर अभी हम उस गंदे नाले में प्रवाह करेंगे, वो भी हम आपको साक्षात दिखाएंगे। और महिला मोर्चा हमारा युवा शक्ति सभी के सब इस कार्यक्रम के बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई। Thank you.